हेलो बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जय श्री श्याम। बच्चों, आई होप सभी भावी अध्यापकों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, वीक में 3 या 4 में रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए बच्चों लेकर आता हूँ, है ना, ताकि आपका प्रॉपर रिविजन होता रहे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें, पूरा टच में आप रहे, है ना। और अपन 1-2 दिन में बच्चों लाइव सेशन भी नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाले हैं वापस, है ना। तो तब तक कोई ना कोई खुशखबरी अपने पास आ जाएगी, किसी न किसी एग्जाम की डेट हमारे पास कन्फर्म हो जाएगी। तब तक ये रिकॉर्डेड सेशन शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से आप आराम से आपकी तैयारी कंटिन्यू रखें, एप्लीकेशन में आपके ऑल्टरनेटिव डे में सेशन हो ही रहे हैं बच्चों ना। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेट और रिलेशन के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, है ना। और ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आपको इनकी थ्योरी आती होगी थोड़ी सी, है ना। फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ उसके इर्द गिर्द वाले सारे कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो, बिल्कुल तसल्ली से, तबीयत से बिल्कुल कोने में बैठ जाओ अपना फोन लेके या लैपटॉप लेके, जिससे भी आप पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन। रफ कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए बच्चों ना, ठीक है। और आपको लगे कि वास्तव में सेशंस फ्रूटफुल हैं, उनको शेयर भी करना, लाइक भी करना बच्चों ना। चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, पूरा हैंडआउट बाइलिंगुअल है, कुछ एक आध क्वेश्चन में शुरू में इंग्लिश है, तो उसको देखकर आप थोड़ा विचलित ना होइएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, मैं बोल दूंगा पूरी हिंदी, है ना। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिए, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25। तो एम मैथमेटिक्स को एम से रिप्रेजेंट करें, और इसमें कंप्यूटर साइंस आ रहा है, उसको सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। तो नंबर ऑफ एम यूनियन सी, ये इसमें गिवन है बच्चों 25। आगे पढ़ते हैं जी। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं बच्चों? 12। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 बच्चों ने मैथ्स और कंप्यूटर दोनों लिया कॉमन, ठीक है। तो एम इंटरसेक्शन सी 8, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, या कंप्यूटर साइंस ओनली, है ना। यानी कि जो डिमांड है हमारे क्वेश्चन की, डिमांड इज नॉट मैथमेटिक्स बट कंप्यूटर, तो सी माइनस एम वी हैव टू फाइंड। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें एक बार एक फॉर्मूला पता है कि यूनियन प्लस एम प्लस सी माइनस इंटरसेक्शन, बेसिक सा फॉर्मूला है ना, लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। एम यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस माइनस कॉमन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे कितने हैं बच्चों? 25। मैथमेटिक्स के बच्चे हैं 12, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हमारे पास फिलहाल नहीं है, कॉमन बच्चे हमारे पास 8 है, 12 में से 8 गया तो बच्चों 4 बचा, ठीक है। और यहाँ से कंप्यूटर साइंस के बच्चे हमारे पास कितना आ गए? 25 माइनस 4 20, पहली बात। लेकिन इनमें वो बच्चे भी हैं जिनके पास कंप्यूटर और मैथमेटिक्स दोनों होंगी, ओनली कंप्यूटर नहीं है ना। अब ओनली कंप्यूटर, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन की डिमांड है, इसको हम क्या लिखते हैं, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे एन लगाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर माइनस कॉमन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई। अगर केवल मैथमेटिक्स के बारे में बात करता, एम माइनस सी बोलता, तो मैं एम में से दोनों का कॉमन माइनस करता, मतलब ए माइनस बी का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटाओ, B माइनस ए का मतलब B में से A इंटरसेक्शन B घटाओ, है ना। या ओनली A, ओनली B, ओनली मैथ, ओनली कंप्यूटर, इस तरह से, है ना। तो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं कितने? 21। कॉमन बच्चे कितने हमारे पास? 8, ठीक है, बस तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। 13 और 7 कितना होता है? 20, 20 और 1 21, तो 8, तो 13। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैव टेकन ओनली कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, रिजल्ट बिकम्स 13, 13 इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, वो ये ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये ध्यान से सुनना। अगर a माइनस b की बात करेगा, तो a में से a का, a और b का इंटरसेक्शन, a और b का कॉमन माइनस करेंगे। अगर b माइनस a की बात करेगा, तो b में से a और b का कॉमन माइनस करेंगे। तो लिख लेना बाद में आराम से। आई होप सभी का ये वाला बिल्कुल क्लियर है, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बोलते रहना बच्चों आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कमेंट करते रहना। बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। इन ए ग्रुप ऑफ 70%, 70 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, 37 को कॉफी पसंद है और 52 को चाय, ठीक है,
and each person like at least one of two drinks. At least one of की बात करता है तो बच्चों A union B की हम बात करते हैं. A union B का मतलब ये होता है A या B या दोनों, तो उसका मतलब at least आ गया ना. At least में दोनों भी count होंगे. तो how many like coffee but not tea? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की जो डिमांड हो क्या है, लाइक कॉफी बट नॉट टी, सी माइनस टी हमें निकालना है. सबसे पहले मैंने टारगेट लिख दिया, मतलब हमें उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो केवल कॉफी पसंद करते हैं लेकिन चाय पसंद नहीं करते. इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर कॉफी में से आप कॉफी और चाय पीने वाले दोनों को कॉमन माइनस कर दो, ये हमारा टारगेट है. ठीक है, अब आ जाओ जो 70 है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो सी यूनियन टी, कॉफी और चाय दोनों पीने वाले कितने हैं साहब, 70 37 केवल कॉफी वाले हैं, यह आ गया हमारे पास 37, 52 केवल चाय वाले हैं, है ना, 52 हमारे पास आ गए चाय वाले, केवल नहीं मतलब चाय वाले है ना. तो बस ये फॉर्मूला हमारे को पता है बच्चों, 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, है ना. तो नंबर ऑफ कॉमन ऑफ कॉफी एंड टी विल बी 37 और 52 को जोड़ दो बच्चों, ये आ गया 8 और 9 माइनस का 70, 89 में से हम 70 माइनस करेंगे तो बच्चों तुम्हारे पास 19 बच जाएगा. अब टारगेट पे आ जाओ, जो हमारा टारगेट है ये रहा, कॉफी पीने वाले कितने हैं जी, कॉफी पीने वाले 37 है जी, और कॉमन कितने हैं जी, 19 है, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो देखो 37 में से 19 घटा दो तुम, अगर तुम 17 घटाते हो तो 20 बचता है तुम्हारे पास, है ना, तो दो और घटाने पड़ेंगे तुम्हारे पास, तो 18 विल बी योर राइट आंसर, डी ऑप्शन. बिल्कुल आराम आराम से करो, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग कैलकुलेशन नहीं है. आई होप सभी का बिल्कुल क्लियर है, वेरी क्लियर बच्चों, बात समझ आ रही है. तो एक ही पैटर्न पर बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन इसलिए करवाए, देखो ये वाला क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए था बच्चों, वीडियो पॉज करना चाहिए था, इसको दोबारा करना चाहिए था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिना देखे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कम से कम, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करना चाहिए, वेरी क्लियर. रिवीजन करेंगे तो अपने आप तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी बच्चों. सारे बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, NVS, KVS, UP, EMRS, ये DSSS भी, ये सारे एग्जाम एक साथ ही आने वाले हैं, पूरी 11th 12th, तो ग्रेजुएशन पूरी पढ़ के रखो, तैयार रहो, टेस्ट देते रहो, है ना. अब आओ जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. देखो एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है, एक सेट है बी जिसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है. नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, 1-1 जानते हो ना बच्चों, एक एक ही फलन, कितने एक एक ही, हाउ मेनी 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग कितनी होगी, एक एक ही, एक से एक का संबंध है ना, ठीक है. तो अब आ जाओ साहब, 1-1 आप सभी जानते हो. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं पहले बना ना, सपोज करो इसी को समझा देता हूं क्या फर्क पड़ता है ना. एक सेट ए है ना, ए बी सी, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अब पहले 1-1 मैपिंग की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखो ना, ये एक्चुअली सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी एप्लीकेशन होती है, वहां से हम थोड़ा सा दिमाग चलाए तो फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि अपन करेंगे, डो नॉट वरी एट ऑल. अब एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो बच्चों तुम यहाँ पे, है ना, वो बात क्या है कि एक ही मैपिंग 1 से हुई, फिर एक ही मैपिंग 2 से हुई, फिर एक ही मैपिंग 3 से भी हो सकती है, एक ही मैपिंग 4 से भी हो सकती है, एक ही मैपिंग 5 से भी हो सकती है, एक ही मैपिंग 6 से भी हो सकती है. यानी एक अकेला 6 इन, एक अकेला ए इन 6 से मैपिंग कर सकता है, बोलो हाँ या ना. अब 1-1 मैपिंग है, अब ए मान लो 6 में से कोई एक पोजीशन फिक्स हो गई, 6 में से कोई एक पोजीशन, वही बात है जी, यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 1-1 फंक्शन है, मैनी 1 नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते ना, ठीक है. अब बी कितने से बनाएगा बच्चों, 5 से, तो ए ने तो बनाया 6 से, है ना,
बी ने बनाया 5 से, सी ने बनाया 4 से, और डी के लिए 3। टू कैलकुलेशन, 4 3 12, 12 5 60, 6 3 36, 360 विल बी योर राइट आंसर। समझ गए? तो बेसिकली आप इस 1-1 फंक्शन वाले क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करता हूं तो शुरू के 10 मिनट के बाद जो हम डिजिट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, मेरे किसी भी सेशन में आप चेक कर सकते हैं कि यूजिंग 1 to 5 हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो डिब्बे वाला मेथड या 5P2। तो यूजिंग 6 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, 6P4 है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बनाया, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है ना, एम कर दो इसमें, बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग ए टू बी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, एन पी एम। अगर ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, तो 6P4 इज आंसर है इसका। 6P4 को कैसे सॉल्व करोगे, है ना, दिखाया हुआ तुम्हारे को, आर की वैल्यू 4 है तो उसका 4 times इसको डिक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई कर दो बस, ये सॉरी फोर थ्री, वेरी क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो रख लोगे ध्यान, बहुत आसान है, 5 × 20, 6 × 12 भारतीय छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखोगे आज के बाद डायरेक्ट लगा दोगे आंसर, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज जानना, ए टू बी, अगर ए में एन एलिमेंट है, बी में एम एलिमेंट है तो एम पी एन, ए में एम है, बी में एन है तो एन पी एम। तो ये प्रोसेस भी मैंने समझा दिया था कि कोई कन्फ्यूजन भविष्य में आपके साथ ना हो। नेक्स्ट, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है बच्चों, ना तो लेट स्टार्ट, है ना, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, 30 सेकंड का टाइम है, 55 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स ए न्यूज पेपर रीड करते हैं, 20 बी न्यूज पेपर बी को पीस, 7 बोथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हु रीड नन ऑफ द न्यूज पेपर, कोई भी न्यूज पेपर रीड नहीं करता, है ना, दोनों का नेगेटिव निकालना है। स्टार्ट, कर लोगे आराम से, बहुत बेसिक है क्वेश्चन को, चलो पढ़ दो, तुमने लिया ही ना कम से कम, है ना, अब मैं करवाता हूँ आ जाओ, या तुम और तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्राई करना है तो वीडियो पॉज कर लेना, घर की बात है, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है। टोटल स्टूडेंट्स बच्चों 55 है हमारे पास, है ना, 30 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ए, ये हमारे पास है बच्चों 30, बी कितना है जी 20, 7 बोथ ए इंटरसेक्शन बी 7, ठीक है, तो इससे हम वो तो निकाले सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर रीड है ना, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता है, यानी कि ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं पहले, ये हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस का 7, तो 43 हैं जो दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, दोनों मतलब कम से कम एक, जैसे ए भी आ गए, बी भी आ गए, दोनों कॉमन भी आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो ए भी रीड करते हैं, बी भी रीड करते हैं, दोनों भी रीड करते हैं, सारा आ गया इसमें तो। अच्छा, बिल्कुल भी दोनों न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना है इसका वाला सर, टोटल 55 है, 55 में से ये 43 माइनस कर दो, तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, क्या करें बताओ, 55 में से क्या माइनस कर दो 43, तो 5 × 7 = 12, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्या भावनाएं समझ पा रहे हो आप, बहुत आराम आराम से तसल्ली से मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बच्चों, है ना, ताकि हर चीज आपके समझ में आ जाए, बिल्कुल आराम आराम से, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे कोई किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, है ना मामला। नेक्स्ट, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज एज बिलो, ठीक है जी, मैथमेटिक्स में 100, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 28, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 18,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। यूजिंग फॉर्मूला आप कर सकते हो, देखो तीन का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं सेट में, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन। पर इसने ओनली पूछा है ना, तो ये वेन डायग्राम से ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बच्चों। कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ थ्योरेटिकल फॉर्मूले से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। हम किसी एक मेथड के भरोसे नहीं रह सकते, हमारा टारगेट है कि हम इजीली अप्रोचेबल चीजें एग्जाम के लिए करके जाएंगे, ताकि वहां पर हमारा समय बचे और सटीक समय में हम बिल्कुल सही आंसर ला सके ना विद एक्यूरेसी। तो थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए होगा इसके लिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आई होप ये सबको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं फिर अपन, आ जाओ। ये लीजिए बच्चों, दिखाई दे रहा होगा सबको ना, एक क्लास 175 स्टूडेंट्स टोटल है, वन और मोर सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट्स हैं, इधर तो मैथमेटिक्स है, इधर फिजिक्स ले लो और इधर केमिस्ट्री ले लो, बिल्कुल एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आराम से, तसल्ली से, जैसे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए शुरू में ना, ठीक है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 30 है, तीनों में कॉमन देख लो सबसे पहले, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18 है, ठीक है। यानी ये जो तीनों कॉमन, तो ये देखो 18, पहले इसको फिल करते हैं, अब आसान हो जाएगा सिस्टम। अब मैथ्स और फिजिक्स में जो कॉमन है ना बच्चों, वो है हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो तो 30, ये पूरा पोर्शन मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन है बीच वाला, लेकिन 18 तो गए इसमें से, तो मैथ्स और फिजिक्स में कितने बचे, 12, 30 लाना है टोटल हमारे को। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन है वो 18, नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23, ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री, 23 में से 18 माइनस करो बच्चों, 5 हमारे पास बच गया। अब आ जाओ मैथ्स और केमिस्ट्री, अब मैथ्स एंड केमिस्ट्री में बच्चों 28, तो 28 में से 18 माइनस कर दो आप, ठीक है, ये 10 तुम्हारे पास बच गया, ठीक है। 28 में से क्या माइनस कर दिया हमने, 18 माइनस कर दो, तो 8 और 20, 10 हमारे पास बच गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 100, ये टोटल 100 है बच्चों, है ना। तो देखो ये 30 तो है, 10 ये 40, तो ये कितना बचा, 60। अब पूरा ये गोला मैथ्स का 100 के बराबर आ रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ता है, इतना कुछ पूछा ही नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो सर केवल मैथमेटिक्स की बात करें तो बाकी सब कचरा हटा दो जो सबके कॉमन है, केवल 60 बच्चे हमारे पास है आंसर हमारा, बात समझ गए। अगर वो केवल फिजिक्स बोलता तो मैं इन तीनों का एडिशन करता, यानी कि 30 और 35, ओनली फिजिक्स हो गया बच्चों 35, है ना, और केमिस्ट्री 46, तो मैं इन तीनों को ऐड करता 28 33, है ना, 33 में से मैं क्या माइनस कर देता, 46 बस आंसर आ जाता, 46 में से 33 माइनस कर देता, व्हाटएवर आंसर। तो बहुत आसान है बच्चों, कर लेंगे ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लो इसको फटाफट से, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से फटाफट से हो गया, कोई फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बताओ जी, बताओ, डन, चलो नेक्स्ट। कुछ बच्चों की शिकायत थी सर बहुत जल्दी करवा देते हो, तो मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ बच्चों, चलो अटेम्प्ट करो, सोचो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स, यानी कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 2, बी में जो एलिमेंट्स हैं, बच्चों यूपी डिजिटल पीजीटी के लिए 13 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है अपना, तो कोई भी बच्चा अगर आपके आसपास हो या आप हो तो यू कैन ज्वाइन, डाउनलोड एप्लीकेशन 4 है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग मोर एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी सबसेट की बात तो कर रहे हैं सब, है ना, नंबर ऑफ सबसेट, बच्चों सबसेट निकालते कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट, सबसेट का मतलब होता है सर कि
टू की पावर एन, किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट यदि मैं निकालना है तो क्या होता है, टू की पावर एन होता है, और वो टू की पावर एन होता है सम ऑफ कोफिशियंट्स, है ना, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन तक जब हम सम करते हैं तो दैट इज टू की पावर एन. इज दैट क्लियर? ये हमने पढ़ा है बायनोमियल थ्योरम में भी, पीएनसी में भी, तो बायनोमियल कोफिशियंट्स होते हैं, इन सबका सम टू की पावर एन हमारे पास आ गया. अच्छा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी, तो बेसिकली सबसेट निकालते कैसे हैं कि हमने पहले जीरो सेलेक्ट किया एन में से, सिलेक्शन ऑफ जीरो, सिलेक्शन ऑफ वन, सिलेक्शन ऑफ टू, सिलेक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट, सिलेक्शन ऑफ फोर एलिमेंट्स, है ना, आउट ऑफ एन, उन सबका सम करते हैं फिर टू की पावर एन आता है. और हमने आज तक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा केवल उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर एन होती है. और वो निकालते कैसे हैं कि एन में से एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि फाई एल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, फिर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, दो करते हैं, जितनी एन होता है, एन का मान इस आर के मान से तो बड़ा या बराबर ही रहेगा, छोटा थोड़ी रहेगा. अब यहाँ पे आओ, तो सर ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो तो हो गए, हमें पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, टू इंटू फोर एट. अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालना है, लेकिन इसने कंडीशन बोली है हैविंग ऑफ मोर एलिमेंट्स, ये लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश में मुझे गड़बड़ लग रही है, हिंदी में पढ़ते हैं, जिनमें तीन या उससे अधिक अवयव हो, हैविंग थ्री और मोर एलिमेंट्स, इसको ऐसे कर लो, कुछ हिंदी में से लिखा हुआ है ना, तो थ्री से स्टार्ट होना है इसका मतलब, तो वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा तुम्हारा, है ना, तो 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8. This is your required answer. Simplify this. या देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर एट हो गए, उसमें से आप 8C1 माइनस कर दो, 8C0 माइनस कर दो, 8C1 माइनस कर दो, 8C2 माइनस कर दो, ये भी कैलकुलेशन आपकी सस्ती पड़ जाएगी. बात समझ में आ गई? तो ये कैलकुलेशन करो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बच्चों, है ना. वॉट एवर आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका आंसर, तुम जो भी आ रहा हो ना. और आज के बाद ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर एन बनते कैसे हैं साहब, ऐसे बनते हैं. अब यहाँ पर वो इस तरह की चालाकी कर दे कि नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एलिमेंट्स फोर और मोर देन फोर, तो फिर मान लो टोटल एलिमेंट 10 हैं तो 10C4 से शुरू होगी, 10C10 तक ले जाएंगे. वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट रहता है कि हमें ये क्वेश्चन ना करके इस तरह का क्वेश्चन करना है, तो वो समझ आ गया होगा आपके यहाँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट टू इट सेल्फ, देखो इसको तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, जब भी ऑन टू फंक्शन का बोले और ए टू ए इट सेल्फ के लिए बोले, है ना, तो n फैक्टोरियल विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन. ठीक है, जैसे हमने मैंने 1-1 फंक्शन तुम्हें पढ़ा दिया, अभी ऑन टू फंक्शन के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा, निकालते सब पीएनसी से ही अपन, तो इसमें डायरेक्ट तुम्हें ध्यान रखना है ना. अभी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी फॉर्मूला आएगा सबके, तो एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा बन जाता है ना. नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारे सामने. ए बी सी तीन सेट हमारे पास गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, ए माइनस बी निकालते हैं सबसे पहले. तो देखो ए माइनस बी निकालना हो तो बी के जितने भी एलिमेंट्स है ना ए में, उनको सबको हटा दो, तो बी सी कॉमन आ रहा है ए और बी में, तो केवल ए बच गया. ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन आ रहा है बच्चों, एक तो डी आ रहा है और एक सी आ रहा है. ठीक है, तो डी कॉमा सी, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस डी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी ए क्रॉस डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बात समझ आ गई, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, है ना भाई. सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, हाँ जो ऑर्डर्ड पेयर है उनसे छेड़खानी बिल्कुल नहीं कर सकते. ए कोमा सी को आप सी कोमा ए नहीं लिख सकते, बट जैसे एक सेट है 1 2 3, तो उसको आप 2 1 3 भी लिख सकते हो, 3 1 2 भी लिख सकते हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, देखो इन एग्जाम्पल्स पर है ना, जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं ना बच्चों, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई सेट ले लो और उस समय ना वो मानना बहुत
टेढ़ा काम होता है थोड़ा सा, मानते समय तुम्हें ये भी मानना होता है कि कुछ कॉमन भी आ रहा हो, है ना। ऐसे नहीं कि हम पहले डिस्टिंक्ट सेट ले लें कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है, डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा हमारे पास, तो फिर वहां समस्या हो जाती थोड़ी सी, है ना। तो इसको तो हम जनरली वैसे भी कर लेंगे। देखो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यही ना इसका मतलब। अब डी मॉर्गन्स लो क्या बोलता है बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट है वो अगर एक साथ है तो आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट है तो एक साथ कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा साथ में, है ना। एक साथ है और अलग अलग करना है तो भी ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग है और एक साथ करना है तो भी ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ए यूनियन, देखो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं ध्यान से देखना, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कर दिया मैंने, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए और ए के अलावा, ऐसे पढ़ो इसको, ए और ए के अलावा में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर, फाई। अब फाई और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, सर फाई का तो किससे भी कॉमन ले लो फाई बचेगा, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन, फाई इज योर करेक्ट आंसर, यस और नो। क्या मामला बोलो भाई, बात समझ में आ गई। बोले इसमें फॉर्मूला रट्टा फिक्सेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन आपको लगानी है भाई, हमें क्या पता है ए और ए के अलावा हमें कॉमन क्या आएगा, सर कुछ भी नहीं आएगा फाई। फिर इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वट एवर जो भी आ रहा हो फाई से अगर आप इंटरसेक्शन की जगह निकालेंगे तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, फाई रहेगा, मतलब फाई आंसर आएगा। ठीक है आप आ जाओ जी, मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस करेंगे, अब यहाँ पे भी तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर 8, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है बच्चों 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 तो 2 की पावर 56, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डन मामला, नेक्स्ट डायरेक्ट ध्यान रखना, लेट R be relation of the set of natural number n, ये हमारे पास एक डिफाइन है जी, तो इसको मैं पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दीज। अब देखो ये बहुत अपने आप में ना, ये सेशन पूरा देखना है एप्लीकेशन में, जब मैंने किसी भी बैच में रिलेशन पढ़ाया तो उसमें देखना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मजेदार चीज है, मतलब तीनों, है ना। यहाँ तो चलो अपन क्वेश्चन ही कर सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे से। अब यहाँ पे तुम देखो ना, एक संबंध प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में परिभाषित है, आओ तो मैंने इसको पहले y इज इक्वल टू ले लिया बच्चों, क्या 41 माइनस ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। अच्छा डिफाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है प्राकृत संख्याओं में है, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 39 आती है, x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 37 आती है, x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 35 आती है, x की वैल्यू 4 लेता हूं तो 33 आती है, सही बात है क्या। x की वैल्यू 5 लेता हूं, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, तो 31 आती है, x की वैल्यू 6 लेता हूं तो 29 आती है, x की वैल्यू 7 लेता हूं तो 27 आती है, x की वैल्यू 8 लेता हूं तो 25 आती है, x की वैल्यू 10 लेता हूं तो 23 आती है, ठीक है। अगर 10 लेंगे तो वो जो 20 कुछ 29, एक मिनट रुकना बच्चों, अगर वो 6 लेते हैं तो 12 माइनस करेंगे अपन, है ना, 7 लेते हैं तो 14 माइनस करेंगे अपन, है ना, 8 लेते हैं तो 16 माइनस करेंगे अपन, तो 9 लेंगे ना, है ना, 9 लेंगे तो बच्चों कितनी आती है, 23 आती है, 10 लेंगे तो 21 आती है, 11 लेंगे, देखो आंसर तो आ गया यहीं पे, पर मैं तुम्हें और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना, 11 लेंगे तो 19 आती है, 12 लेंगे तो 17 आती है,
13 लेंगे तो 15 आती है, 14 लेंगे तो 13 आती है, 15 लेंगे तो 11 आती है, 16 लेंगे तो 9 आती है, 17 लेंगे तो 7 आती है, 18 लेंगे तो 5 आती है, 19 लेंगे तो 3 आती है, 20 लेंगे तो 1 आती है, अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो बताओ। वेरी क्लियर, अब समझो बच्चों बात को। तो सर रिफ्लेक्सिव का तो कोई सीन ही नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है, एक दो बार मैंने थोड़ा दो तीन एलिमेंट्स निकाल के भी, दो तीन ऑर्डर पेयर निकाल के भी किए हुए हैं, बट कुछ बच्चों फिर इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने पूरा ढंग से तुम्हारे लिए इसको लिख दिया बच्चों, ना ठीक है। अब तुम देखो रिफ्लेक्सिव का तो कोई सीन नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। अब समझो यहाँ पे 19 वैल्यू आ रही है हमारे पास, देखो 11 पे 19 आ रही है तो 19 पे 11 नहीं आ रही है, सिमेट्रिक का भी कोई सीन नजर नहीं आ रहा, ट्रांजिटिव का भी कोई सीन नजर नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज, इज दैट क्लियर और नॉट। और ये अंदाजा आपको आज के बाद 4 ब्रैकेट लगाने के बाद लग जाना चाहिए, नोट डाउन करो इसको। वेरी क्लियर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फिर बस यहीं तक करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, और इसका एक और वीडियो में लाऊंगा ना, उसमें और बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, जुड़े रहिए आप। आपको लगता है वास्तव में ये क्वेश्चंस फ्रूटफुल हैं, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है, आपके लिए फायदेमंद है, आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो रहा है, तो प्लीज शेयर एंड लाइक। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करें बच्चों, टेस्ट देना ना भूलें, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज से बाहर पेपर नहीं गए उस तरह के क्वेश्चन से, और वो सारे मैं तुम्हें करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। एक बार डेट्स आने दो एग्जाम्स की, जब तक आप जूझते रहो करते रहो ना, री अटेम्प्ट सबके लिए फ्री होगा, जो बच्चे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है, वीक में आराम से 2 टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों खुश रहो, मजे करो, राधे राधे।